जालौर में गर्ल्स डिग्री कॉलेज के लेब प्रभारी पर उसी कॉलेज की चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी ने छेड़छाड़ और शारीरिक संबंध के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पदम नगर थाना पुलिस ने आरोपी लेब प्रभारी पर छेड़छाड़ का केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। खंडवा के पदम नगर थाना में शिकायत लेकर पहुंची यह महिला शहर के सबसे बड़े शासकीय डिग्री कॉलेज की चतुर्थ श्रेणी वर्ग की कर्मचारी है। इस महिला का आरोप है कि उसी कॉलेज का लेब प्रभारी अशोक भास्कर महिला पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता है और इसी नियत से शुक्रवार को लेब प्रभारी अशोक भास्कर ने महिला के साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उसके कपड़े तक फाड़ दिए। महिला ने पदम नगर थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पदम नगर पुलिस के मुताबिक आरोपी पर छेड़छाड़ और दबाव बनाने संबंधी धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि आरोपी ने मीडिया के सामने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि उक्त महिला को गलत आचरण के चलते हटा दिया गया था, इसी की दुर्भावना के चलते उसने मेरी झूठी शिकायत की है। मैं गर्ल्स कॉलेज में काम जन भागीदारी मद से कर्मचारी हूँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मैं वहाँ काम करती हूँ और मेरे को अशोक भास्कर है, मैं छेड़छाड़ करता है मेरे साथ में, छेड़छाड़ करना, उल्टा सीधा बोलना, कहीं भी जाओ तो ऐसे देखता है कि जैसे कभी औरत हमको देखी नहीं, हमको बार बार देखेगा, झांकेगा, मुस्कुराएगा, उल्टा सीधा बोलने को चाहेगा, मैंने उसकी तरफ देखती नहीं, इग्नोर कर देती हूँ मैं। उसके बाद आज क्या हुआ कि मैंने आई नीचे अटेंडेंस लगाई, ऊपर आई अपने विभाग खोल के मैंने बैठी विभाग में अपना और मेरा काम करना था, मैं थोड़ा अरेस्ट कर लूँ फिर काम करती हूँ। तब तक किसने आया, एक दूसरे चढ़ाव से चढ़ते हुए सब देखते आया कि लेब बंद है, पूरे लेब बंद था, ये देखते आए कि कोई है तो नहीं, पूरा लेब बंद था, खाली था, क्योंकि इस समय क्लास नहीं लग रही है, सब अधिकारी कर्मचारी नीचा काम कर रहे हैं, अभी थोड़ा 11 बजे था तो लेट वोट भी आते हैं इस समय, तो कोई नहीं था, आ करके मेरे को छेड़छाड़ करने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा। मैंने बोली फोटो खींच के भी मैं प्रिंसिपल के उस पर डाल दूँगी तो हट जाए यहाँ से, नहीं तो बोले मेरा मोबाइल खींच के फेंका, मेरे को पकड़ के बाहर ला के खींच के, क्योंकि CCTV कैमरा है आ जाएगा, इसलिए मेरे को बाहर खींच लाया और खींच करके 2-3 झापड़ मारा, मेरा कपड़ा फाड़ दिया। इस पत्ते मंडलोई सर, आरोप लगा रहे तो क्या है सर? सरासर झूठ है। कोर्ट ऑफ CJM में साथ में काम करता था, इनको वहाँ से निकाल दिया गया, इसका बदला सर मुझसे ले रही सर। किस तरह प्रकरण दर्ज किया गया? आज GDC कॉलेज के कर्मचारी, महिला कर्मचारी ने आके शिकायत की है कि वहीं के एक कर्मचारी ने उनके साथ छेड़छाड़ की है, मारपीट की है और गाली गलौज की है। इस पर उन्होंने एक लिखित शिकायत पत्र दिया जिस पर से आरोपी अशोक भास्कर के ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सर क्या वो धारा 354 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है।